जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र, पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द फ्लैगशिप ऑफ इंडियन बैंकिंग, बैंकर टू द नेशन, बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI has walked miles, connecting India, converting challenges into opportunities, and committed to reach every unbanked village of India. Presented by State Bank of India. सीएनबीसी आवास पर मनाया जा रहा है किसान दिवस। चलते हैं कृषि सचिव बसु साहब के पास एक बार फिर, क्योंकि सोमपाल जी ने आपके एक पॉइंट पर अपना एक व्यू रखा है कि यहाँ पर मार्केटिंग के सवाल को अगर एड्रेस करना हो, और आपने कहा कि राज्य और केंद्र का फोकस है, हमको ये लगता है कि बहुत सारा काम जो राज्यों को करना है वहाँ उस लेवल की अवेयरनेस या प्रायोरिटी नहीं है, सारा फोकस केंद्र पर हो जाता है। लेकिन ये पुरानी बहस है, इसको करने के लिए इफेक्टिव कंपेलिंग तरीका क्या होगा बसु साहब? मैं इस पे एक मिनट में आता हूँ। सोमपाल जी बहुत बुजुर्ग एवं विशेषज्ञ हैं, सही कह रहे हैं, जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पिछले 4-5 साल में केंद्र ने एक समिति बनाई है जिसमें सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेट के लिए हैं, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिकमेंडेशन दिए हैं। कई राज्यों ने जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र ने काफ़ी रिफॉर्म्स किया है, पंजाब हरियाणा ने भी थोड़ा बहुत किया है, सभी कोशिश कर रहे हैं, समय लग रहा है ये जरूर है। बट उन्होंने एक और बात कही थी अबाउट रेन फेड एग्रीकल्चर, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये सही है कि 60% एरिया जो है बारिश पर निर्भर है, उसमें इरिगेशन की सुविधा नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक दो ब्रॉड एरिया अप्रोच लिया है, एक ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, जिसमें 7-8 ईस्टर्न स्टेट्स को लिया है। और मैं आपको खुशी की खबर दे दूं कि इस साल 87 मिलियन टन खरीफ राइस का जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट आया है वो काफ़ी हद तक ये 2 साल के मेहनत का फल है। वहाँ के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी है। तो एक तो ये रेनफेड एरिया हो गया जहाँ अच्छा बारिश है लेकिन रेनफेड है। दूसरा जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ड्राई लैंड कहते हैं, रेनफेड के अंदर एक सबसेट है ड्राई लैंड जो सेमी एरिड एरिड जोन है, उसके लिए भी हम लोग एक कार्यक्रम पिछले साल से इस साल से चलाए हैं। अब उसका रिजल्ट देखना है कैसे होगा। और जो मेरे विचार से जो बहुत बड़े पैमाने में इस देश में करना है वो है माइक्रो इरीगेशन। जितने ड्राई लैंड एरियाज मैंने जहाँ जहाँ गया देखा है, जो कोई भी क्रॉप हो, कॉटन हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, इधर मैंने सुना गेहूं में भी राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन वगैरह इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, किसान को इनकम फायदा हुआ। तो वो सोल्यूशन है, दैट इज़ द सोल्यूशन। और जब तक एक और विषय है कृषि, क्योंकि कृषि के क्राइसिस कहा जाता है, सही माने में जो मैंने शुरू में कहा कि 85% लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ने 1 हेक्टेयर से कम उनका जमीन है, तो फाइनल सोल्यूशन यही होगा कि जो ये लैंड पे प्रेशर है उसको कम किया जाए। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेमी स्किल लेबर, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से ये प्रेशर कम होगा जी। सोमपाल जी, यहाँ पर क्योंकि इस बात पर आपने भी पहले काफी कुछ बात की है कि किसान जो है, छोटे किसान खास तौर से डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में उनकी जमीनें होती हैं, वो एक साथ अगर मिलकर काम करें, जो कोऑपरेटिव का फिनोमेना था वो वापस आए और शायद यहाँ पर एक कॉर्पोरेट कल्चर भी सामने आए, तो फायदे का सौदा रहेगा। क्या वो आसान रहेगा भारत में इस समय इम्प्लीमेंट करना? जी नहीं, वो बिल्कुल व्यावहारिक होगा। उससे बेहतर तो ये है कि किसानों को ब्लॉक्स के आधार पर उत्पादन कराया जाए और जो किसान उत्पादक है उसका और विक्रेताओं का, व्यापारियों का सीधा संबंध स्थापित हो, क्योंकि जो सहकारिता का प्रयोग है वो पूर्णतः सफल हो चुका है और भारत के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश में व्यवहारिक नहीं होगा।
परंतु जो कौशिक इन्होंने श्री पीके बसु साहब ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि खेती के ऊपर से बोझ कम करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए जरूरी है कि गांव में रहने वाले नवयुवकों को आगामी पीढ़ी को ऐसी चीजों के योग्य बनाया जाए कि वो दूसरे व्यवसायों में जाकर रोजगार प्राप्त कर सकें और उससे जो भूमि के स्वामित्व का जोत का आकार है वो स्वाभाविक रूप से बढ़े तभी वह आर्थिक रूप से लाभकर हो सकेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहा है, मैं आपसे सहमत हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये उठता है, अभी हम आपके पास आएंगे लेकिन एक बार बसु साहब से मैं फिर पूछना चाहूंगा। बसु साहब देखिए, जॉब वहां पर उतना नहीं है, छोटी जमीन है, उसको बड़ा बनाना है ताकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। अब उनको हम नहीं चाहते कि बंबई में आ जाएं ये जवान, माइग्रेशन का एक दूसरा मसला है। इसीलिए FDI अगर रिटेल में आता तो किसी नासिक के पास, किसी जबलपुर के पास हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते जहां इनको नौकरियां मिलती, वो भी रुक गया है। तो ये जो ट्रांजिशन होना है कि एग्रीकल्चर पर कम लोगों की निर्भरता हो, उनको दूसरे रोजगारों में लाया जाए, ये काम भी सरकार को ही पुश करना है सर, ये आपकी भी फिक्र होगी। एकदम आपने सही कहा, स्किल डेवलपमेंट सरकार का बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ सालों तक सरकार को ही इसमें फ्रंट में आना होगा, प्राइवेट सेक्टर बाद में आएगा और यही कोशिश है। आप जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत जोर दे रहे, तो इसलिए वो तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन दो चीज़ मैं बता दूँ जो मेरे अनुभव से मुझे अच्छा दिखा। ये मैं एकदम सहमत हूँ माननीय सोमपाल जी से कि वो जो कलेक्टिव फार्मिंग वो उस पैटर्न पे भारतवर्ष में नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा प्रयोग हमने किया है पिछले दो साल में जिससे दलहन का उत्पादन इतना बड़ा आपने देखा, क्लस्टर अप्रोच, कि हमने एक गांव में या दो तीन गांव मिला के 1,000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर लिया। सबके पास अपनी अपनी जमीन है बट मेरा इंटरवेंशन उस क्लस्टर पे है। एक साथ टीम गई, सबको बताया, किसानों को बताया, वो अप्रोच सक्सेसफुल हुआ है और मैं समझता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। और जहाँ तक आपने FDI की बात कही, देखिए FDI हो चाहे, ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, FDI से ही इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। यहाँ के लोग भी काफ़ी उन्नतिशील है, वो भी कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। FDI हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ के भी उद्योगपति ऐसे हैं कि मार्केट को सुधार सकते हैं, हमें विदेश की तरफ नेसेसरीली नहीं देखना है, बट FDI इन रिटेल अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जी। एक और चीज़ के तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक के विचार विमर्श 1.5 घंटा में सुन रहा हूँ उसमें आया नहीं। हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ गेहूँ चावल के ओर नहीं देखना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पिछले जितना प्राइस राइज हुआ है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हुआ है। तो थिंक ग्रीन, वी हैव टू थिंक ग्रीन इन द सेंस दैट हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस पे ध्यान देना जरूरी है। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि अगला वर्ष हम लोगों ने कृषि मंत्रालय में ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिक्लेयर किया है जी। हम लोग पूरी फोकस हॉर्टिकल्चर पे देंगे, वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन है, खाली गेहूं चावल नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हाँ, धन्यवाद जी। यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर हॉर्टिकल्चर या फिर दूसरी चीजों को भी तवज्जो देना है, वहां पर टेक्नोलॉजी भी की काफी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। दत्ता साहब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, जमीन होती है, उसे कैसे पहचानना जरूरी हो गया है, आयकर उस लिहाज से किस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा है किसानों को समझने के लिए कि कौन सी एरिया में न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं और कौन सी फिर फसल अच्छी निकलेगी। एक तो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने शुरू में क्या था बोला था जो इन्वायरमेंटल सॉयल का बारे में भी चर्चा और इम्पोर्टेंट देना चाहिए। तो अभी तो सॉयल सर्वे सारा हिंदुस्तान में हो रहा है, सॉयल फर्टिलिटी हमारा बहुत ही कम है, कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफ द सॉयल इज़ वेरी लो, इसीलिए हमारा फर्टिलाइजर जितना ही हम यूज़ करें उसका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, जैसे इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह ये काम नहीं हो रहा। इसलिए वो सॉयल फर्टिलिटी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। एट द सेम टाइम दैट बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी भी इसको यूज़ प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने आज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंट क्रॉप, हम ड्राउट और वाटर यूज एफिशिएंट क्रॉप हम कर रहा, और ये जो सारे क्रॉप डिजाइनर क्रॉप जो आएगा उसका भी सॉइल के साथ वाटर मैनेजमेंट के साथ ये अच्छे काम में आएगा।
और क्या यहाँ पर आप कहेंगे फिर जो जीएम फूड्स का भी जो मामला था उसको भी थोड़ा बहुत अगर तवज्जो मिलता है शायद कुछ ऐसे पॉकेट्स में उत्पादकता बढ़ सकती है? जीएम क्रॉप्स इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो ये तो नया टेक्नोलॉजी जो है जीएम क्रॉप्स डेफिनेटली व्हेयरएवर इट इज नीडेड, जहाँ इसका जरूरत है उसको यूज जरूर करना चाहिए. जैसे बीटी कॉटन इतना सक्सेसफुल स्टोरी है सारा हिंदुस्तान में, इस तरह सारे जो बायोटेक क्रॉप जो आना है वो तो जरूर यूज करना चाहिए. जी अब ये वक्त है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने का. आज पूरे दिन, दरअसल पिछले 3 दिनों से हमने अपना फोकस रखा खेती और किसानी पर. कहते हैं कि भारत किसानों का देश है, लेकिन फिलहाल वो परेशान किसानों का देश है, और उनको अगर खुशहाल बनाना है तो आज पवार साहब से लेकर के बसु साहब और सोमपाल जी से लेकर शरद जोशी से लेकर के गुलाटी साहब और बहुत सारे युवा किसानों की कहानियाँ हमने आपको बताई, और ये बताने की कोशिश की कि पॉलिसी के गैप के बावजूद हिंदुस्तान में अपने अपने उदाहरण, अपने अपने मिसाल क्रिएट हो रहे हैं कि किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इसके पीछे आ रही है. जो कुछ बाधाएं हैं वो दो हैं कि किस प्रकार से अब राज्यों के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर पॉलिसी का गैप कम हो, पैसा आए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, फिर किसान अपने आप आगे बढ़ लेगा. आज तमाम मेहमानों ने किसानों के इस समस्या के बारे में अपने जो विचार रखे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के सामने, और बहुत सारे नए किसान दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. Presented by State Bank of India.